सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। राजस्थान के पोखरण में लंबी दूरी तक मार करने वाले दो अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र तोपों का परीक्षण हो रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि बोफोर्स कांड के 30 साल बाद भारतीय सेना को अमेरिका से ये तोपें मिली हैं। तोपों के इन परीक्षणों का प्राथमिक लक्ष्य M777A2 अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र के प्रोजेक्टाइल रफ्तार और गोले दागने की फ्रीक्वेंसी जैसे बेहद महत्वपूर्ण डेटा जमा करना है। उम्मीद की जा रही है कि इनमें से ज्यादातर तोपों को चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। परीक्षण की जानकारी रखने वाले एक सैन्य अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि ये परीक्षण सितंबर तक जारी रहेंगे। अधिकारी मीडिया से बातचीत करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। बता दें कि 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर के इस तोप में भारतीय गोले उपयोग किए जाएंगे। 11 टन की बोफोर्स तोप के मुकाबले होविट्ज़र बहुत हल्की है, साथ ही आकार में भी यह उसकी आधी है और लाने ले जाने में काफी सुविधाजनक है। इसे समुद्र के जरिए भी ले जाया जा सकता है तो हवा में भी लिफ्ट किया जा सकता है। होविट्ज़र तोप बिच्छू की तरह बैठी रहती है, यानी दुश्मनों के लिए इसे खोज पाना भी आसान नहीं होगा। डायरेक्ट रेंज में 4 किलोमीटर और इनडायरेक्ट रेंज में 30 से 40 किलोमीटर तक होविट्ज़र दुश्मन के ठिकानों को आसानी से बर्बाद कर सकती है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।